तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम शॉर्ट में बोलते वी बी टी नाव स्टार्टिंग फ्रॉम हियर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप समझिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ना विल सिंपली से दिस वी बी टी दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तो ये थ्योरी किसने दी थी शाबाश किसने दी थी तो इट वाज फॉरवर्ड बाय आप नाम अगर याद करोगे नो एक हिटलर था हिटलर एंड लंदन ठीक इन्होंने ये थ्योरी दिया था जैसे मैंने विस्प थ्योरी में समझाया था आपको किस किसने दिया था वैसे इन्होंने ये थ्योरी दी थी एक हिटलर और लंदन ने अगर डेट भी याद रखना चाहते हो नाइनटीन डेट है ठीक शाबाश उसके बाद लेटर ऑन अपडेट एंड मॉडिफाई या मैं बोलूंगा इसको इम्प्रूव किसने किया था पहले मैं बेसिक बता देता हूँ इसका इंट्रोडक्शन ठीक बाद में हम इसके पोस्टलेट्स पढ़ेंगे तो इसको लेटर ऑन डेवलप या इम्प्रूव किया दो बंदों ने एक था पॉलिंग सेम एज़ विस्पर थ्योरी ठीक है ना नो पॉलिंग एक था एंड एक और बंदा इसके साथ था दैट्स कॉल्ड स्लेटर ठीक है ना पॉलिंग एंड स्लेटर ने इसको मॉडिफाई किया इस थ्योरी को तो ये बेसिक बातें हो गई किसके बारे में ये वी तो वी क्या बोल दिया हमें उससे पहले मैंने बोला कि ये हिटलर और लंदन का कंसेप्ट था उन्होंने ये दिया उसके बाद एंड uh, ने इन हिटलर और लंदन की जो वीबीटी बी थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ठीक अब वीबीटी में हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट तो वीबीटी किसको उसी इंसान को वीबीटी आएगा जो ये चीजें जानता हो क्या क्या नो मैं शॉर्ट में बोलूंगा जो वीबीटी की नॉलेज है ना वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ठीक है इसकी नॉलेज दो चीजों पे डिपेंड करती है अगर किसी को ये दो चीजें आती है दैट मीन्स वो वीबीटी आराम से कर सकता है तो वीबीटी में हमें किन चीजों का यहाँ से पहले पता होना चाहिए यहाँ पे कंसेप्ट नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स की यू नो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहाँ पे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ठीक है, है ना यहाँ से मतलब क्या है अटोमिक ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए यहाँ से पता होना चाहिए एस की कौन सी स्पेरिकल शेप होती है ठीक है ना पी डम्बल डी डब्ल्यू डम्बल तो इनका आपको पता होना चाहिए एक इनका नॉलेज होना पता जरूरी है और साथ साथ में हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हमें आती आ, ये वाली चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्योगेशन तो ये सब में इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो मैंने शॉर्ट में बोला आपका जो वीबीटी है ना वीबीटी तो इट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज तो अगर मैं बात करूं ये किसके नॉलेज के बेस पे है? एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की नॉलेज हमें पता होनी चाहिए ठीक सर उसके बाद किस चीज की पता होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक अब जिसको ये चीजें मैंने ये दिस इज बेसिक ये वीबीटी का बेसिक चीजें हैं दिया किसने था मॉडिफाई किसने किया और वीबीटी किन चीज़ों किन का हमें पता होना चाहिए ताकि हम वी बी, बी टी थ्योरी पढ़ सके और हमें समझ में आ जाए ठीक चलो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं उसके बाद हम स्टार्ट करें इसके पॉस्टुलेट्स वी बी, बी टी हमें क्या बोलता है ठीक शबाश नो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं स्टार्ट कर दू पॉस्टुलेट्स नो व्हाट आर द पॉस्टुलेट्स ऑफ वी बी, बी टी पॉस्टूलेट्स ऑफ वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझिएगा ये बहुत सिंपल पॉस्टूलेट्स हैं ये आपको सारे याद रहेंगे बहुत सिंपल है फर्स्ट पॉस्टूलेट क्या होता है तो ये कोवलेंट बॉन्ड के लिए हम यूजुअली पढ़ते हैं आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ से ये वी बी टी कंसेप्ट कोवलैंड ये बोलता है जो कोवलैंड बॉन्ड बनता है देखो ये कंसेप्ट बता देता है कोवलैंड बॉन्ड की फॉर्मेशन वी इस थ्योरी से हमें पता चलता है कोवलैंड बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह होती है तो ये बोलता है कोवलैंड बॉन्ड इज फॉर्मड

ये जो कोवलेंट बॉन्ड आपको बनता है फॉर्म होता है इसमें क्या होना चाहिए ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होनी चाहिए ठीक शाबाश। नो एग्जांपल इस चीज को समझते हैं पे देखो एग्जांपल क्या है लेट सपोज मेरे पास मेरे पास है लेट सपोज मैं ये शेप बना रहा हूँ लेट सपोज ये ठीक है नाउ दिस इज एस ऑर्बिटल है कि नहीं और मेरे पास है कोई भी पी ऑर्बिटल ये पी ऑर्बिटल की शेप होती है ठीक अब बताओ तो इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी ये क्या करेंगे ये आपस में ओवरलैप हो जाएंगे देखो किस तरह की ओवरलैपिंग होगी ओवरलैप ये एस आया ठीक जब ये इसके नजदीक आएगा जब ये इसके नजदीक आएगा तो ये ओवरलैप इस तरह से करी जाए इस तरह से देखो यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग दिख रही है यहाँ पे तो यहाँ पे बॉन्ड बना अब बोलो बात समझ में आई शाबाश ये खाली ऑर्बिटल्स मैंने बनाए इसका मतलब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन्स होगा ठीक देखो मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया जब ये आपस में आएंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स पियर में चले जाएंगे तो यहाँ पे ओवरलैप बनेगा आया समझ में शाबाश बताओ पहला पोस्टलेट सबको पो समझ में आया कोलेट बॉन्ड कैसे बनता है अकॉर्डिंग टू वी शबश। VBT के हिसाब से आपको आया समझ में कैसे बनता है? शबश। कैसे बनता है? जब ओवरलैप करते हैं दो ये, सर। उसके अब ये है तो इसको या दूसरा पॉस्टलेट बना सकते हो ठीक मैं अगर दूसरा पॉस्टलेट बनाऊ मैं बोलूंगा कौन से वाले ओवरलैप होते हैं अब कौन सा ऑर्बिटल्स पहले स्टेटमेंट में पहले पॉस्टलेट में जनरल बता रहा हूँ ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनली क्या वीबीटी के हिसाब से ओनली हाफ फिलेड अब फुल फिलेड नहीं होंगे यहां से मेंशन किया गया है ओनली हाफ फिलेड ओवरलैप अब मुझे एक बात बताए फिर आप मुझे इसको किस तरह से समझते हो मैं इस तरह से समझता हूँ वीबीटी का फर्स्ट फॉर्स्टलेट है कोवलेंट बॉन्ड बनता है ऑर्बिटल्स है कि नहीं और सेकंड या इसी के साथ ऐड करो ओनली हाफ ओवरलैप लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए हाफ हाफ होनी चाहिए तभी वो क्या करेगा ओवरलैप इसका मतलब सर क्या है अब मेरी बात ध्यान से समझो जरा बताओ ये ओवरलैप कर सकता है जरा मुझे बताओ ये वाला ओवरलेप कर सकते हैं देखो मेरे पास कोई एस लास्ट शेल है ठीक है इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन है ठीक है ना अब इसके अंदर ये ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन बताओ ये दोनों अगर मैं जोड़ दूं इनको ओवरलेप कराऊं बताओ ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है बताओ ये वाली ओवरलैपिंग पॉसिबल है यस और नो वेरी गुड ये क्यों नहीं ओवरलैप पॉसिबल है बिकॉज पहले में क्या है पहले में शबाश पहले में आपके दो इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं अब बताओ अगर इस तरह की ओवरलैपिंग बताओ ये वाले ओवरलैप करेंगे ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बताओ ये ओवरलैप कर सकते अगर मैं इनको नजदीक लेके आ जाऊँ ओवरलैप करूं बताओ पॉसिबल है ये ओवरलैपिंग येस बिकॉज दोनों क्या है हाफ इलेट है दोनों क्या है हाफ लेट इवेंचुअली ये एक ही पॉस्टुलेट है अब मैंने इसको दो कर दिए अब बताओ पहला आपको आया समझ में शबाश पॉस्टुलेट्स का पहले समझ में आता है शबाश अब नो वेरी गुड उसके बाद अगर मैं बात करूं ठीक ठीक है चलिए उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं पॉस्टलेट नंबर थर्ड नाउ व्हाट इज पॉस्टलेट नंबर थर्ड नाउ अब जब ये ओवरलैप करेंगे जब ये ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन साथ-साथ आते हैं ना देखो इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन बनाया था इसमें भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन बनाया था अब मैंने मैं थर्ड में क्या लिखूंगा जब ये ओवरलैप करेंगे तब इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होनी चाहिए उनकी ऑरियंटेशन किस तरह से होनी चाहिए नो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरी बात ध्यान से समझ लो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट किस तरह से होनी चाहिए मस्ट बी अपोजिट अपोजिट ये एक opposite होनी चाहिए ठीक है ना एक अगर डाउनवर्ड्स है दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपवर्ड्स होना चाहिए अपोजिट इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स अब सर ये क्या है इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स जरा मुझे समझाओ मैं यहां से लिखता हूं बताओ ये वाला केस चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा बताओ शाबाश जरा बताओ अगर यहाँ पे ये वाला लिया ठीक है ना और ये पी शेप बना दी यस सर और एक केस ये इस तरह से और ये इस तरह से ठीक है ना शाबाश बताओ इसके अंदर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ठीक बताओ इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मुझे कोई बोलेगा इन दो में से पॉसिबल बताओ ओवरलैप कौन करेगा फर्स्ट वाला करेगा कि दूसरा वाला ओवरलैप जब ये ओवरलैपिंग करेगा बताओ पॉसिबल किस में ओवरलैपिंग है फर्स्ट में कि सेकंड में वेरी गुड सेकंड में सेकंड में क्यों क्योंकि सेकंड में जब ये आएगा देखो जब सेकंड में बनाऊंगा ना देखो मैं अगर सेकंड बनाऊ सेकंड अगर मैं बनाऊ ठीक अगर मैं सेकंड बनाऊ तो ये मैं यहाँ से बना देता हूँ ठीक है ना हाँ अगर मैं सेकंड बनाऊँ उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जगह नहीं है मैं नीचे बनाऊँ इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आएंगे ठीक और अगर मैं फर्स्ट में बनाऊँ फर्स्ट में मैं इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से आएंगे फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन्स साथ साथ इस तरह से एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो ये वाली पॉसिबल नहीं है और ये वाला पॉसिबल है बताओ आपको तीन पॉस्टलेट्स आया समझ में पहले कोल्ड एंड बॉन्ड कैसे बनता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स है कि नहीं और दूसरा पॉस्टलेट वही ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे जिनके अंदर क्या होगा हाफ फिलट होगा ठीक है तीसरा पॉस्टलेट जब ओवरलैपिंग होगी तब इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होनी चाहिए अपोजिट में होंगी अब मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं बताओ इतना है समझ में चबाश फिर जाते हैं फोर्थ पे ठीक वेरी गुड ना ये इजी है आपको आना चाहिए ना फोर्थ क्या है अब बताओ ये जो ऑर्बिटल्स अब अगर ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो गए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते ठीक है ना तो ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने के बाद अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते मतलब ये दे नॉट दे मतलब देयर आइडेंटिटी ठीक है मैं ऐसे लिखूंगा ऑर्बिटल्स रिटर्न इसका मतलब इनका कुछ चेंज वेंज नहीं होता है तो ऑर्बिटल रिटर्न आइडेंटिटी देयर आइडेंटिटी तो इनकी आइडेंटिटी रिटर्न रहती है आइडेंटिटी आफ्टर ओवरलैपिंग देखो आफ्टर ओवरलैपिंग तो ओवरलैपिंग के बाद भी ओवरलैपिंग के बाद भी इन ऑर्बिटल्स के अंदर आइडेंटिटी क्या रहती है रिटर्न मुझे एक बात समझाओ मुझे एक बात समझाओ चलो मैं यहाँ से एग्जांपल समझा देता हूँ मेरे पास है कोई ये ये वाला यस सर ठीक है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है यस सर अब मैं ये एक बना रहा हूँ ठीक है ना ये ठीक है शाबाश चलो इसको मैं अपोजिट में बनाऊंगा अपोजिट में मुझे एक बार बताओ अगर मैं इसको ओवरलैप करवा दूँ यस सर ये ओवरलैप करवा देता हूँ ये आपका ओवरलैप हो गया यस yes, सर मुझे एक बात बताओ क्या है? ये मैंने एक शेप बनाई बनाई कि एक शेप बताओ पॉसिबल शेप कौन से बनेगी मैं दो ही बनाऊंगा एक मैंने इस तरह से बनाई बताओ जरा इस तरह की शेप बनेगी जरा बताओ बताओ कुछ इस तरह दूसरी शेप बन सकती है बताओ बनेगी दूसरी शेप नो no. क्यों क्योंकि देखो ये जो ये जो था ना ये ये जब मैंने इसके अंदर क्या करवा ये ये वाला जिसको मैं कलर कर रहा हूँ ठीक है ना ये और ये ये स्पेरिकल था दूसरा था डबल है कि नहीं अब जब इन्होंने ओवरलैप किया ये ये इसी तरह रह गया स्पेरिकल और दूसरा रह गया डम्बल दैट मीनस दे ओवरलैप होने के बाद भी ये अपनी शेप बराबर रखते हैं बताओ आया समझ में ये पॉसिबिलिटी आया कि नहीं समझ में यसा नो वेरी गुड उसके बाद एक और पॉइंट अगर आप इसको याद भी ना करो कोई बात नहीं ठीक है ना ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ये वाला पॉइंट ठीक है तो ओवरलैप किस तरह से होना चाहिए ठीक है ना अब मेरी बात समझ लो ओवरलैप किस हिसाब से होना चाहिए तो ओवरलैपिंग पहले मैं लिखता हूँ ओवरलैपिंग शूड टेक प्लेस एंड बॉन्ड में ओवरलैप होता है होता है कि नहीं अब बताओ आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ टाइप्स मैंने पढ़ा है ना हिस्ट्री में टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस पढ़ा है यस और नो वहाँ पे मैंने बोला जब कोवलेंट वो रेडियस होता है कोवलेंट रेडियस होता है ना ओवरलैप वो वीबीटी पॉइंट से पता चलता है वो ओवरलैप होता है ये बात पता होना चाहिए नौ ओवरलैपिंग शुड टेक प्लेस ओवरलैपिंग शुड टेक प्लेस टेक प्लेस ये ये अगर याद भी नहीं रखोगे कोई नहीं है ओवरलैपिंग शुड टेक प्लेस एट ऑप्टिमम पोजिशन तो पोजीशन क्या रहनी चाहिए ऑलमोस्ट व्हाट इज ऑप्टिमम ये एक रेंज होता है ठीक है ना ऑप्टिमम पोजीशन इसलिए मैं बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा है याद करो ना करो ऑप्टिमम इसका मतलब क्या है नाउ no. सुनो मेरी बात थोड़ा सा स्टेबल तो बनना चाहिए ना थोड़ा सा क्या बनना चाहिए स्टेबल फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मुझे एक बार बताओ ये एक एस ऑर्बिटल है सर yes, ठीक और ये ये इसका है? ये इसका न्यूक्लियस है मैं डॉट बना न्यूक्लियस ठीक दूसरा भी आया इसने ओवरलैप किया यस yes, सर ये इसका न्यूक्लियस है ठीक वेरी गुड अब बताओ नेक्स्ट मेरी बात समझ लो ये यहाँ पे यस सर ठीक है ना उसके बाद ये पे, ये पे इसका न्यूक्लियस है ठीक अब बताओ अगर दूसरा ओवरलैप इस न्यूक्लियस के ऊपर कर जाए बताओ ये ओवरलैपिंग सही है कि गलत है बताओ आपको फर्स्ट वाली ओवरलैपिंग सही लग रही है कि दूसरी वाली ओवरलैपिंग सही लग रही है कौन सी ओवरलैपिंग सही है शबादी बताओ वेरी गुड कौन सी ओवरलैपिंग सही लग रही है फर्स्ट क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होगा क्योंकि ये देखो दूसरा है ना दूसरा एक न्यूक्लियस और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल कर रहे है कि नहीं तो यहाँ पे रिपल्शन होगी यहाँ पे रिपल्शन होगी कौन सी मैक्सिमम रिपल्शन तो मैक्सिमम रिपल्शन से ये अनस्टेबल बनेगा और दूसरे में मिनिमम रिपल्शन तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस से थोड़ा दूर ये ओवरलैप होना चाहिए के ऊपर अगर जितना नजदीक ओवरलैप करेगा दूसरा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक उतनी रिपल्शन ज्यादा होगी तो थोड़ा सा डिस्टेंस रहना चाहिए दैट्स और ओवरलैपिंग हमें ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था ये एट ए मिनिमम पोजिशन होना चाहिए बताओ आया समझ में कि नहीं यस और नो नाउ द पोस्टलेट VBT जो बोलते हैं वो इतना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉस्टलेट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाउ सिक्स्थ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब ये क्या बोलता है अब मेरी बात समझो पहले मैं समझता हूँ कितनी ओवरलैपिंग होगी देखो आराम से पढ़ा रहा हूँ ये द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अब कितनी ओवरलैपिंग होगी कम होगी कि ज्यादा होगी वही तो होगी द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इससे मुझे डिसाइड होगा इट डिसाइड्स क्या डिसाइड्स होगा इट डिसाइड्स देखो क्या क्या चीजें डिसाइड होगी बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी देखो जितनी बॉन्ड एनर्जी भी पता चलेगी ओवरलैपिंग से और मुझे एक और पता चलता है बॉन्ड स्ट्रेंगथ भी पता चलता है देखो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंग एवन बॉन्ड लेंग देखो तीन चीजें मुझे ओवरलैपिंग से पता चलता है ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है अगर आप इसको समझोगे ना तो ये एक मिनट का काम है बाकी ये देखो तो कितनी ओवरलैपिंग होगी उससे पता चलेगा उन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी कितनी लगेगी उसके बाद स्ट्रेंथ कितनी बनी और लेंथ कितनी बनी ये सारा डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अब मेरी बात ध्यान से समझ लो इससे पहले मैं बताऊं कितने किस्म के हमें ओवरलैपिंग होते हैं बट आप मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर करें देखो ओवरलैपिंग ठीक है ना एक ओवरलैपिंग इस तरह से होती है लेट्स एज्यूम लेट्स एज्यूम लेट्स एज्यूम ये ऑर्बिटल पी के है ये वाले पी ऑर्बिटल्स है ठीक इसको एक मैं इस तरह से बना देता हूँ मेरी बात ध्यान से समझ लेना एक मैं बना रहा हूँ इस साइड से ये वाला ठीक है शाबाश वैसे तो बेसिक पता होना चाहिए देखो एक यहाँ से ओवरलैप हो रहा है इस साइड से इस साइड से एक यहां पे हुआ है तो यू नो यहाँ पे हुआ है साइड वाइज ओवरलैप ये सबको पता है अभी मैं उसके बाद में पढ़ाऊंगा यहाँ पे दो किस्म के ओवरलैपिंग में भी दो टाइप होते हैं यहाँ वाइज ओवरलैप हाँ यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप हुआ है ठीक है और यहाँ पे यहाँ पे ओवरलैप हुआ एरो पे मैंने दिखा है थी? उसको बोलते हैं हेड 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 ऑन ऑन ओवरलैप ओवरलैप अब मेरी बात जो ऊपर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं एक्सटेंड ऑफ ओवरलैप से पता चलता है क्या बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ अब मुझे एक बात बताओ दिस दिस इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं ये वाला ओवरलैप जो हुआ है मुझे एक बात बताओ जरा बताओ इसमें ओवरलैप ज्यादा हुआ है कि कम हुआ है पहले इसमें वेरी गुड कम इसमें मिनिमम ओवरलैप हुई है कि हुई है? हुई है, है नहीं क्योंकि स्ट्रांग है ही नहीं साइडवाइज ओवरलैप हमेशा लो होता है तो वेरी गुड तो इसमें मिनिमम ओवरलैप में लिखूंगा इसमें ओवरलैप कम हुआ है क्योंकि हमें पता चले पहले हमें ढूंढना पड़ेगा ओवरलैप एक्सटेंट ओअरलैफ की एक्सटेंशन क्या है एक्सटेंशन बोले तो कम है कि ज्यादा है तो आप मुझे पता चला है मिनिमम अगर मुझे कम कम पता चला इसमें काम है फिर आप मुझे एक बार बताओ बताओ इसके दरमियान उतना ज्यादा खींच के नहीं रखा है उतना खींच के नहीं रखा है ना तो बोल लेंगे क्या होगी इनके दरमियान बोन्ड लेंगे क्या होगी ज्यादा तो बोआंड लेंगे ज्यादा होगी हाँ उतना खींच के नहीं रखा है तो बोल लेंगे ज्यादा होगी यस सर उसके बाद अगर बोअ लेंगत ज्यादा होगी फिर मुझे एक बात बताओ बॉन्ड एनर्जी और स्ट्रेंथ क्या होगी फिर बताओ लेंगत जितनी ज्यादा होगी एनर्जी क्या लगेगी शबाश शबाश लेंग्थ में एनर्जी क्या लगती है ब्रेक करने में शबाश बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी क्या लगेगी बॉन्ड एनर्जी लगेगी ना कम और जितने दूर होंगे मुझे एक बात बताओ ओ भाई साहब ये एक है और ये दूसरा ये आपस में है कि नहीं ये यहां पे एक है और इन्होंने एक बनाया मुझे बताओ एनर्जी मुझे एनर्जी फर्स्ट में ज्यादा लगेगी दूसरे में ज्यादा लगेगी मुझे इसमें पहले बताओ एनर्जी किस में ज्यादा लगेगी फर्स्ट में कि सेकंड में एनर्जी दूसरे में, में लगेगी ज्यादा की फर्स्ट में लगेगी ज्यादा हाँ सेकंड में कहा लगेगी ज्यादा फर्स्ट में लगेगी और जो जितने करीब है ना उनका अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग होता है क्या पढ़ते हो आप ये मैटर का क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होता है आपसे नवसी है अब जो जितने करीब होंगे जितने करीब होंगे हाँ जितने वो करीब होंगे करीब से मुराद ये है कि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी ज्यादा लगती है कब आप ये चीजें ये सुधारोगे अपने आप में ठीक है ना ये इतने सिंपल कंसेप्ट अब मुझे बताओ पहले पहले केस में साइड वाइज ओवरलैप में मिनिमम ओवरलैप हुआ है बताओ लेंगथ क्या हुई है ज्यादा बॉन्ड और मैंने ये पढ़ाया भी है बॉन्ड लेंग्थ इज प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी मतलब आज से बेसिक नहीं कवर करोगे फिर कब करोगे आप लोग बेसिक कवर अच्छा आ जाओ दूसरे में नेक्स्ट में फिर क्लास ही इस पे इतना चर्चा होता है नाउ सेकंड बताओ इसमें ओवरलैप क्या हुई है मिनिमम की मैक्सिमम सेकंड में बताओ जल्दी जल्दी जल शाबाश शबाश बताओ यहाँ पे यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैप होती है दिस इज मैक्सिमम ओवरलैप यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैप अब बताओ जब मैक्सिमम ओवरलैप होगी बताओ बॉन्ड लेंथ कम होगी कि ज्यादा डिस्टेंस क्या होगी बॉन्ड्स के दरमियान बॉन्ड होगी ये खींचाव है हाँ बॉन्ड लेंथ कम होगी वेरी गुड बॉन्ड लेंथ कम होगी बॉन्ड लेंथ कम बताओ फिर क्या लगेगी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी क्या लगेगी फिर इनमें ज्यादा लगेगी ज्यादा लगेगी ये मैंने आपको पढ़ाया था जा उस चैप्टर को फिर से देख पढ़ो प्यराडिस्टी में मैंने पढ़ाया था बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली टू द बॉन्ड लेंथ लेंथ ज्यादा एनर्जी कम लेंथ कम एनर्जी ज्यादा बस अब बोलो यहां तक आया समझ में इतना पहले और VBT में मुझे ये चीज अब समझ में आती है कि मेरे पास क्या होते हैं मेरे पास देर आरकोज टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग अब मैं थोड़ा ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ाऊंगा ठीक है ना देर आरकोज टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग तो यहाँ से क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आया भी था अब इस चीज को समझो ताकि इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मानता हूँ ठीक है ना नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ द ओवरलैपिंग मेरे पास दो ओवरलैप होते हैं कौन कौन सा पहले एक बनता है एक बनता है सिग्मा बॉन्ड एक ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड यस सर और दूसरा ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड दिस इज पाई बॉन्ड समझो ओवरलैपिंग ठीक सिग्मा बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये हो गया पाई बॉन्ड पहले बताओ इतनी बात समझ में आई बताओ यही दो पॉसिबल है ना सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड तो दो ओवरलैपिंग हमारे पॉसिबल है ठीक है शबश पहले याद करो किसका क्या नाम है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्मा बॉन्ड जो बनता है ना सिग्मा बॉन्ड ठीक है इसको हम बोलते हैं एक और नाम भी शबश बताओ क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैप हेड ऑन हेड हेड में हेड हेड ऑन हेड ये एक नाम हो गया और इसको हम बोलते हैं एक्शल ओवरलैप ये एक्शल लाइन पे ओवरलैपिंग होती है दिस इज एक्शल ओवरलैप ओवरलैप दिस इज एक्ल ओवरैप ठीक शाबाश अब आ जाओ यहाँ पे पाई बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड इज साइड वाइज ओवरलैप ये साइड वाइज ओवरलैप आता है ऐसे ही एग्जाम में लिखना है ठीक है ना दिस इज साइड वाइज ओवरलैप साइड वाइज ओवरलैप और इसको हम एक और नाम बोलते हैं पैरेलल ओवरलैप दिस इज पैरेलल ओवरलैप पैरेलल ओवरलैप पहले बताओ नाम आया नाम करना आया याद क्या करना है सिग्मा बॉन्ड ठीक सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन हेड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्चुअल ओवरलैप पाई बॉन्ड होते हैं साइड वाइज इसको बोलते हैं पर्ल ओवरलैप ठीक शबाश अब मेरी बात ध्यान से समझ लो हम किस तरह से पाई बॉन्ड और सिग्मा पहले मैं समझा देता हूँ मेरी बात ध्यान से समझ लेना फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये ऑर्बिटल है लेट let, लेट्स पहले देखते हैं सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से बनती है देखो मेरे पास मैं तीन पी पी बनाऊंगा ये पी ऑर्बिटल एक हो गया और दूसरा पी ऑर्बिटल भी ओवरलैप हो गया अब बताओ ये ये इनके दरमियान जो बॉन्ड बना ये बना ना सिग्मा बॉन्ड बना के नहीं सिग्मा बॉन्ड और ये बना हेड ऑन हेड में डाल के यस और नो यस ठीक है शाबाश अब दूसरे में देखो दूसरे में देखो मेरे पास सपोज कभी कुबार इस तरह की होती है ये एक पी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, है कि नहीं और इनको हम थोड़ा दूर से दिखाते हैं आपको पता है असल में अगर मैं ओवरलैपिंग करवा दूं ये ये इस तरह की ओवरलैपिंग होती है अब मैं दूर दिखा देता हूँ इस तरह की ओवरलैपिंग ठीक है ना ये और है चाहे उस तरह से बनाओ चाहे इस तरह से तो देखो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पार्लल भी ठीक है ना इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको साइड वाइज भी ठीक नो ये इनके दरमियान पाए पाए अबो भी होता है पाए ब्लो भी होता है बहुत सारे हाइपर कंजुगेशन जो भी आप कंसेप्ट पढ़ते हो ना जीओसी में वहां पे हम पाए दो बार लिखते हैं पाए बॉन्ड इज फॉरवर्ड देखो नीचे देखो यहाँ पे भी पाई बना है लेकिन यहाँ पे भी पाई बना है लेकिन एक ही ऑर्बिट ऑर्बिटल है इस साइड एक ऑर्बिटल है इस साइड एक ऑर्बिटल है लेकिन पाई बॉन्ड एक ही ये बनता है हम दिखाते हैं दो बिकॉज पाई बॉन्ड इज अबो एंड ब्लू ये बात याद रखना हमेशा इतना आया समझ में साइड ये ये ओवरलैपिंग आई समझ में ये वाली एरो जहां दिखा रहा हूं और ये वाला आया समझ में सबको आना चाहिए समझ में कोई नया नहीं है जिसमें आप परेशान होंगे ठीक उसके बाद वो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सिग्मा बॉन्ड जब हेड में हेड डाल दिया ठीक है ना इसको हम बोलते हैं दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये बॉन्ड क्या होता है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ठीक है तो ये मजबूत बॉन्ड होता है हेड ऑन हेड में डाल के ठीक और पाइप बॉन्ड क्या होता है ना पाइप बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है दिस इज द वीक बॉन्ड अब बोलो बात समझ में आई शबाही इतना आया समझ में ऐसा लू